आज 4 फरवरी है। आज के दिन ग्लोबली हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे एक ग्लोबल एफर्ट है जिसके अंदर हम कैंसर अवेयरनेस, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर ट्रीटमेंट्स की जो सारी मालूमात है हम जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ये एक एफर्ट है जिससे हमने कैंसर प्रेवलेंस और कैंसर डेथ्स को ओवर टाइम कम करना है। एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हम हर किस्म के कैंसर्स को ट्रीट करते हैं विदाउट एनी इश्यूज विद दिस। जिस स्टेज से हमारे पास पेशेंट आए, जिस कंडीशन के साथ हमारे पास पेशेंट आए, हम सब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारे पास सारी सर्विसेज इन हाउस मौजूद हैं विच इंक्लूड्स कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एज वेल। द सेकेंड मैसेज दैट व्हाट आई वांट टू गिव इज दैट बिफोर यू इवन नीड टू कम टू अ फिजिशियन, आई थिंक एज अ जनरल पॉपुलेशन एक कैंसर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कैंसर अवेयरनेस मीन्स कि भाई हम हमारी बॉडीज और हमारे जो है सिम्टम्स से पे तवज्जो दें कि कोई चीज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर कोई लंप महसूस हो रहा हो या फिर कोई वेट लॉस हो रहा हो जो आपको जो हम इंटेंशनली कर ना रहे हों या फिर जो है कहीं पे दर्द और तकलीफ है जो जा नहीं रही हो, प्लीज़ आप अपने फिजिशियन को दिखाएं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बहुत हार्मलेस हो सकती हैं बट दे कैन बी सिम्टम्स ऑफ एन अंडरलाइंग कैंसर एज वेल। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब जनरल हेल्थ के अंदर आता है कैंसर प्रिवेंशन। कैंसर प्रिवेंशन के कुछ टेक्निक्स एंड कुछ टेस्ट जो हैं पूरे जनरल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल है। द फर्स्ट थिंग एंड व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन इज मैमोग्राम्स बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैमोग्राम्स जो है इज इंडिकेटेड इन वुमेन 40 साल की उम्र से ज़्यादा। सेकेंड टेस्ट जो कैंसर प्रिवेंशन में होता है वो है कोलोनोस्कोपीज जो कोलन कैंसर या आंतों के कैंसर को प्रिवेंट करता है। जो लोग 45 से ऊपर हैं उनमें ये टेस्ट यूजली हम रेकमेंड करते हैं। एंड द थर्ड टेस्ट इज़ प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग उन मर्दों में जिनमें हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ हो। सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी दैट प्लीज़ स्पीक विथ योर जनरल फिजिशियन या कोई भी आपके जो है कंसर्न फिजिशियन हो कि आपके ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है टाइमली फैशन पे ऑर्डर हो सकें।